संभल जिले में बेटी के रिश्ते को कलंकित कर शर्मसार करने वाला यह मामला संभल जिले के असमोली थाना इलाके बूढ़ा बेगमपुर गांव का है। बूढ़ा बेगमपुर गांव में 18 नवंबर की रात घर के अंदर कमरे में सो रहे शख्स की धारदार हथियार से गला काटकर और चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। घटना की सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस को मृतक नौबत सिंह की पत्नी सावित्री देवी और बेटी रानी ने जानकारी देते हुए पड़ोसी गाँव के 4 लोगों पर धान खरीदने की 10 साल पुरानी रंजिश में नौबत सिंह की हत्या करने का आरोप लगाया था। एसपी चक्रेश मिश्रा ने घटना की जानकारी के बाद मृतक नौबत सिंह की हत्या के मामले के खुलासे के लिए पुलिस की कई टीम गठित की थी। पुलिस टीम में शामिल पुलिस अधिकारियों ने मृतक नौबत सिंह की निर्मम हत्या के मामले में जब मृतक की बेटी रानी से पूछताछ की तो रानी पुलिस अधिकारियों को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी। शक होने पर पुलिस अधिकारियों ने रानी से सख्ती से पूछताछ की तो रानी ने अपने प्रेमी राहुल की मदद से अपने पिता की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। रानी के जुर्म कबूल करने के बाद पुलिस ने रानी के प्रेमी राहुल को भी गिरफ्तार कर नौबत सिंह की हत्या के लिए इस्तेमाल किया गया गंडासा और चाकू भी बरामद कर लिया। पिता की निर्मम हत्या की आरोपी रानी ने नौबत सिंह की हत्या का जुर्म कबूल करते हुए पुलिस को पूछताछ में बताया कि पड़ोस के गांव के युवक राहुल का उसके घर पर कई वर्षों से आना जाना था। इस दौरान राहुल से उसका प्रेम प्रसंग हो गया था जिसके वजह से वे अपने मोबाइल फोन से अपने प्रेमी राहुल से अक्सर बातचीत किया करती थी, जिसकी जानकारी पिता नौबत सिंह को हो गई थी। राहुल से प्रेम प्रसंग की जानकारी होने के बाद पिता नौबत सिंह ने उससे मोबाइल छीन लिया और सिम तोड़ने के बाद राहुल से मिलने जुलने पर भी पाबंदी लगा दी थी। प्रेमी राहुल के मिलने पर पाबंदी लगाए जाने और मोबाइल फोन छीन लिए जाने के बाद उसने अपने प्रेमी राहुल के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या की स्क्रिप्ट लिख डाली। 2 दिन पहले 18 नवंबर को जब पिता नौबत सिंह और सभी परिजन घर के अंदर गहरी नींद में सो रहे थे, उसने स्क्रिप्ट के अनुसार घर का गेट खोलकर प्रेमी राहुल को बुलाने के बाद घर में रखे गंडासे और चाकू से पिता की गला काटकर और चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। घटना की सूचना के बाद पुलिस जब घर पर पहुंची तो पुलिस को भ्रमित करने के लिए पड़ोसी गांव के 4 लोगों पर पिता की हत्या का आरोप लगा दिया, लेकिन पुलिस ने घटना की बारीकी से तफ्तीश कर उसके अरमानों पर पानी फेर कर उसे और उसके प्रेमी को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। इसके अंतर्गत ग्राम बेगमपुर भूड़ा में 17:18 की मध्य रात्रि को एक व्यक्ति जिनका नाम नौबत सिंह जाटव है, इनका इनके घर के अंदर चाकुओं से मल्टीपल इंजरी करते हुए हत्या की गई थी। इसमें इनकी पत्नी की तहरीर पर पड़ोस के गांव के 4 लोगों को नामजद किया गया था। हमारे द्वारा अनेकों टीमें बनाकर इसकी घटना के लिए खुलासे के लिए लगाया गया तो पूछताछ में जानकारी हुई कि जिन लोगों का 4 लोगों का नाम लगाया गया था वो लोग घटना के समय पर घटना स्थल पर नहीं मौजूद थे। आगे पूछताछ में 2 अभियुक्तों को आज गिरफ्तार किया गया है। इसमें से एक लड़का जिसका नाम राहुल जाटव है, इसका मृतक की बेटी के साथ में पिछले कुछ समय से अफेयर चल रहा था। मृतक के द्वारा जब इन लोगों को मना किया गया तो मृतक की बेटी और उसके इस लवर के द्वारा आपस में योजना बनाते हुए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। दोनों को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम राहुल जाटव, ये ग्राम रहटौल फतेहुल्लागंज का रहने वाला है। इसकी बेटी को भी गिरफ्तार किया गया है। मौके से 2 आला कत्ल बरामद किए गए हैं, जिनमें से एक दराती और एक चाकू है। इनके खून से सने हुए कपड़े भी बरामद किए गए हैं। इस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम का आज पटाक्षेप किया जाता है और इन दोनों को माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। धन्यवाद सर। जिस तरह से हत्या की गई, इससे पहले था प्रेम प्रसंग का, ऐसी क्या वजह हुई कि जो है बेटी बाप को मरवाने के लिए मजबूर? पूछताछ में यह जानकारी हुई कि इन दोनों का अफेयर था और पिता इन दोनों के इस अफेयर के खिलाफ था। उसने इन लोगों का मोबाइल भी एक बार बातचीत करते हुए पकड़ा था और इनको लगातार मना करता था, डांटता था। इसी बात पर ये पूरा प्लान ये लड़की के द्वारा बनाया गया, ऐसा पूछताछ में जानकारी हुई है। आगे अन्य साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं। CDR एनालिसिस और अन्य साक्ष्यों के आधार पर इसमें आगे चार्जशीट दाखिल की जाएगी। बेटी ने भी जो है अपने पिता को मरवाने के लिए चाकुओं का प्रयोग किया था? हाँ जी, इसमें 2 हथियार बरामद हुए हैं, उनमें से एक लड़के के द्वारा और एक लड़की के द्वारा प्रयोग किया गया।